वॉर्म वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर आपको अपने पैसे को कहां पे लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, सरकार की सबसे अच्छी बेहतरीन सेविंग स्कीम्स में से कुछ ऐसी स्कीम छांट करके मैं लेकर के आया हूँ जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेविंग स्कीम्स सेफ हैं, सिक्योर हैं और साथ के साथ में अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको इन सेविंग स्कीम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर पहली सेविंग स्कीम निकल के आती है रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी सेविंग स्कीम है जहां पे आपको एक मुश्त कोई पैसा नहीं जमा कराना, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं अपनी सेविंग के अनुसार। जैसे आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी पैसा आपका बचता है, चाहे वो 1,000 है, चाहे वो 2,000 है, 5,000 है, उतना पैसा आप उसके अंदर जमा करा सकते हैं पर मंथ, और उसके ऊपर आपको 5.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। मिनिमम 100 रुपये से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और 10 रुपये की मल्टीपल में कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं, और मैक्सिमम कितना भी इसके अंदर जमा कराइए, कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है। दोस्तों इस स्कीम से रिलेटेड अगर डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कीजिए, डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अंदर अगली सेविंग आती है, अगली सेविंग स्कीम जो है वो है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि आपके पैसे को डबल कर देती है। दोस्तों यहाँ पे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 7.2% के हैं, मिनिमम 1,000 रुपये से इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, 100 रुपीज़ के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा इसके अंदर जमा करा सकते हैं। दोस्तों किसान विकास पत्र जो है ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल कर देता आपकी, जो कि होता है टाइम 120 महीने यानी कि 10 सालों के अंदर यह आपके पैसे को डबल कर देगा। इसके अंदर अगर आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 साल बाद 2,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं या 5,00,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 लाख मिलेगा। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट इसके अंदर नहीं है, कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। इसके अंदर अगली सेविंग स्कीम निकल के आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है दोस्तों एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में आती है, और ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक सबसे बेहतरीन सेविंग स्कीम्स में से एक है। इसके अंदर आप 500 रुपये मंथली से लेकर के 1,50,000 रुपये तक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे डिपॉजिट कैन बी मेड इन लम सम इन इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप हर महीने पैसे जमा नहीं कराना चाह रहे तो आप इकट्ठा पैसा भी जमा करा सकते हैं साल भर का। मान लीजिए आपने सोचा कि 500 रुपये में हर महीने जमा कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं इकट्ठा ही जमा करा दूंगा, मैं हर महीने जमा नहीं करा सकता, मेरे पास कहीं से पैसा आया और मैंने क्या किया, इकट्ठा पैसा उसके अंदर डाल दिया, मल्टीप्लाई करके 500 × 12 से कर दिया तो 12×5=60 हो गया, यानी 6,000 रुपये मैंने इकट्ठा ही डाल दिया उसके अंदर, जिससे क्या है कि मेरे को ये हो गया कि अब मुझे हर महीने पेमेंट नहीं करनी, हाँ साल भर का पैसा मैंने इकट्ठा कर दिया उसके अंदर। 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगली सेविंग स्कीम आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक अच्छी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आने वाली एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि टारगेट करती है 100% सीनियर सिटीजन को जो कि इंडिया में निवास करते हैं। 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के आपके देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है, मिनिमम अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये से, और 1,000 रुपये के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप जमा करा करके मैक्सिमम जो होगा आप 15,00,000 रुपये से ज़्यादा इसके अंदर जमा नहीं करा सकते। अभी रिसेंटली हमारे चैनल के ऊपर इसका डिटेल्ड वीडियो हमने डाला है, आप जाकर के वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी सेविंग स्कीम के बारे में ले सकते हैं। दोस्तों अगली सेविंग स्कीम इसके अंदर निकल के आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं 7.0% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, मिनिमम 1,000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, 100 रुपीज़ के मल्टीपल में आप इसके अंदर पैसा जमा करा सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि टाइम पीरियड 5 साल का है, और 5 साल के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इस सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल्ड वीडियो अभी आने वाला है हमारे चैनल के ऊपर, आप उस चीज़ को आप देखिएगा, डेफिनेटली विल गेट
क्लियर पिक्चर अबाउट दिस सेविंग स्कीम। दोस्तों ये सेविंग स्कीम में से आपको सबसे अच्छी सेविंग स्कीम कौन सी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि पब्लिक जो है किस इंटरेस्ट किस सेविंग स्कीम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।